नमस्कार दोस्तों, निशूस कास्क में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज ये मेरा 99th एपिसोड है। जी हाँ, 99। और कोइंसिडेंस भी देखिए, मैं जब यूएस गया था तब हमारे एक रिलेटिव विनीत जी वो कनाडा से यूएस में आए हमें मिलने, और आते वक्त एक बढ़िया विस्की ले आए, वो भी कैनेडियन विस्की। देखिए लक कैसा है, परफेक्ट है। फर्स्ट टाइम अपने चैनल पे कैनेडियन विस्की का रिव्यू हो रहा है, वो भी 99th एपिसोड, और उसके लिए एक बढ़िया गिफ्ट मुझे मिला। और मैंने ये विस्की, कैनेडियन विस्की इस एपिसोड के लिए क्यों चुनी वो आपको बॉटल देखते ही पता चल जाएगा। ये देखिए, ये मेरे निशूस कास्क के इस बैरल में से ये जो विस्की है, अब पता चला आपको, क्योंकि इस विस्की का नंबर है 99, राइट? ये जो विस्की है वाइन ग्रेग्स की नंबर 99। ये जो विस्की है ये वो गिफ्ट लेके आए। थैंक यू विनीत जी फॉर दिस लवली गिफ्ट। और ये कैनेडियन विस्की क्या है वो हम आज देखेंगे, इसका नोजिंग टेस्टिंग करेंगे, और फर्स्ट टाइम कैनेडियन विस्की का टेस्टिंग करने में मुझे बहुत ही एक्साइटमेंट हो रही है। चलो तो देखते हैं ये विस्की क्या है। इस विस्की की खासियत यह है कि ये माल्टेड राई, कॉर्न एंड ग्रेन बिल ऑफ राई, इस चीज से बनी हुई है, यानी राई विस्की इसमें है। मेरे ख्याल से 51% राय इसमें रहेगी, देन कॉर्न एंड माल्टेड राई। तो ये कॉम्बिनेशन से ये विस्की बनी है, और ये विस्की बनने के बाद 3 साल के लिए, कम से कम 3 साल के लिए इसको एक्स बर्बन कास्क में मैच्योर किया गया है। और एक्स बर्बन कास्क का 3 साल का मैच्योरेशन होने के बाद इसको फिनिश किया है आइस वाइन कास्क में। ये आइस वाइन क्या रहती है, तो आइस वाइन जो फ्रोजन ग्रेप्स रहते हैं, उस फ्रोजन ग्रेप्स से बनाई हुई जो वाइन रहती है, तो उस कास्क में जो वाइन को रख के मैच्योर करते हैं, और वो खाली करने के बाद उस कास्क में ये विस्की को 4 महीने के लिए मैच्योरेशन के लिए यानी फिनिश के लिए रखते हैं, तो एक सर्टन उसका अरोमा भी अपने को इसमें मिल जाता है। आइस वाइन जो रहती है वो डेजर्ट वाइन रहती है, और उसमें हल्का सा स्वीटनेस रहता है। तो उस कास्क में फिनिश करने के बाद इसमें भी मेरे ख्याल से थोड़ा सा एक स्वीटन नोट्स आई होगी, ऐसे मुझे लगता है। तो इस विस्की के डिटेल के बारे में हम जानते हैं। वाइन गेट्स की जो है वो कनाडा के नेशनल आइस हॉकी प्लेयर थे, और उनका रिकॉर्ड यह है कि 1979 से लेकर 1930 साल तक वो कनाडा के लिए खेले आइस हॉकी, और उनके नाम पे उस 20 साल में 61 रिकॉर्ड। उसके बाद में उन्होंने कोचिंग भी किया अपनी टीम के लिए और कनाडा के लिए, और बाद में मुझे पता चला कि ये नाम उनकी सेलिब्रिटी है, वो सेलिब्रिटी है इसके लिए दिया गया, और 99 साल में वो रिटायर्ड हो गए, 1999, इसके लिए 99 नंबर मेरे ख्याल से दिया गया है। लेकिन बाद में पता चला, मैंने बहुत छानबीन की तब पता चला कि ये साहब की वाइन गेट्सकी की खुद की वाइनरीज है, और ही इज अ वाइनरी ओनर, एंड साइमल्टेनियसली वो कुछ समय निकाल के अपना समय कुछ कैनेडियन बेस्ट विस्कीज बनाने में बिताते हैं। उनकी जो 3 बेस्ट विस्कीज है उसमें वाइन गेट्सकी नंबर 99 रेड वाइन कास्क फिनिश, देन नंबर 99 आइस कास्क, आइस वाइन कास्क फिनिश, एंड थर्ड इज वाइन गेट्स की नंबर 99 प्रूफ। 99 प्रूफ यानी उसमें 49.5% ABV है। तो ऐसे एक सेलिब्रिटी के इस विस्की का मुझे नोजिंग टेस्टिंग करने का मौका विनीत जी ने दिया। थैंक यू विनीत जी फॉर दिस लवली गिफ्ट। तो आज चलो करते हैं इसका नोजिंग और टेस्टिंग। लेट्स ओपन द बॉटल ऑन अवर 99th एपिसोड। हाँ,
कुछ अलग अरोमा है इसमें। देखिए कॉर्क के ऊपर भी 99 नंबर लिखा हुआ है। छोटा सा पोर करते हैं। यस, कलर देखते हैं इसका, कॉपर गोल्ड, गोल्डन कॉपर कलर है, बहुत ही अच्छा कलर आया है इसमें। यस, वो एक्स बर्बन कास्ट में उसको 3 साल के लिए मैच्योर किया गया है, इसके लिए ये अच्छा सा कलर आया है। अब नोजिंग पे देखते हैं क्या मिलता है। ओह लवली, स्कॉच विस्कीज का मैं काफी रिव्यू कर चुका हूँ, इंडियन विस्कीज का भी कर चुका हूँ, तो ये विस्की थोड़ी सी अलग है। मैं आपको हमेशा कहता हूँ ना, कुछ अलग विस्की ट्राई कीजिए। जी हाँ, अगर अपने यहाँ कैनेडियन विस्की कोई भी मिलती है ना, तो उसको जरूर ट्राई कीजिए। वैसे ही आयरिश विस्की, वैसे ही जापानीज विस्की, कीप ऑन चेंजिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ विस्कीज एंड ट्राई इट, बहुत अच्छा मजा आता है। टॉफी फ्लेवर है, टॉफी का अरोमा आ रहा है मुझे, लिटिल स्पाइसेस, स्पाइसीनेस लग रहा है, हल्का फ्रूटी, रेजिन रहता है, रेजिन उसका मुझे अरोमा आ रहा है, ओक वुड एंड राय, राय का एक स्पाइसीनेस रहता है इस, हमेशा राय बिस्की है ना, तो इसमें थोड़ी सी राय बिस्की एंड कॉर्न बिस्की है, तो कॉर्न का स्वीटनेस मुझे अभी मिल रहा है। तो यस, इतने अरोमा मुझे आए, अभी देखते हैं पैलेट पे क्या आता है। चीयर्स। वाव, वेरी स्मूथ, लेकिन राय विस्की कंपैरेटिव, जो अगर स्कॉच से कंपेयर करें तो उसमें थोड़ा सा स्पाइसीनेस रहता है, एक क्लाव का जो अरोमा है वो, देन सिनेमन, तो ये फ्लेवर्स मुझे पहले ही सिप में आ गए, साथ में एक माल्टेड राय का टच मुझे मिला, ओक का टच मुझे मिला, और रिजन जो मैंने कहा सूखे अंगूर रहते हैं, वो एक अच्छा टच मुझे मिला पैलेट पे, और जब मैंने उसको निगल लिया तो उसके बाद में मुझे हल्का, एकदम हल्का हिंट ऑफ स्मोक मिला है। एक ब्यूटीफुल ये विस्की है। चलो देखते हैं सेकंड सिप में क्या मिलता है। सेकंड सिप लेने के पहले इसमें थोड़ा सा हम लोग ड्रॉप ऑफ वाटर, थोड़ा पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद मेरे ख्याल से अरोमा थोड़ा सा ओपन अप होता है और उसकी वजह से अलग टेस्ट मिलती है। तो देखते हैं, हल्का सा पानी डाला है मैंने। हल्का पानी डालने के बाद मुझे थोड़ा सा चॉकलेट मुक्का जो रहता है, आपने कभी कॉफी शॉप में जाके एक चॉकलेट मुक्का का कॉफी टेस्ट किया है, तो वैसा मुझे अरोमा आया। सिनेमन उभर आई और आइस वाइन जो रहती है, यस आइस वाइन मैंने टेस्ट की है, तो मुझे वो अरोमा परफेक्टली याद है, तो वो एक परफेक्ट अरोमा मुझे मिल रहा है आइस वाइन का। अब देखते हैं पैलेट पे क्या मिलता है। क्लो का एंड स्पाइसेस का थोड़ा ज्यादा उभर के आ गया टेस्ट, और वो मेरे पैलेट पे ऐसे लिंगरिंग हो रहा है, वही टेस्ट अभी तक है। देन कॉर्न विस्की है इसमें, कॉर्न से बनी हुई, तो कॉर्न का जो एक पर्टिकुलर स्वीटनेस है वो भी मुझे पैलेट पे मिल रहा है, और एकदम सुंदर सा आइस वाइन का टेस्ट मुझे अभी आया पानी डालने के बाद। पहले जरा स्पाइसेस ज़्यादा लग रहे थे, लेकिन अभी एक मस्त आइस वाइन का फ्लेवर और टेस्ट मुझे मिल गया। और नॉर्मली कैनेडियन विस्कीज या तो जो राय विस्कीज रहती है, तो वो कॉकटेल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो जल्द ही मैं आपके लिए इस विस्की से बना हुआ एक
कॉकटेल बना के दूंगा, आपको दिखाऊंगा। आहा, मुझे तो आई एम वेरी मच ईगर टू यूज दिस विस्की इन अ कॉकटेल। एक कैरेमल शुगर जो रहती है उसका एक लिंगरिंग टेस्ट पैलेट पे है। बहुत ही अच्छी विस्की है, बहुत अच्छी लगी मुझे। और आई विल रिकमेंड कि अगर आप अलग टाइप की विस्की कुछ ट्राई करना चाहते हैं तो कैनेडियन विस्की जरूर ट्राई कीजिए, एक बार तो ट्राई कीजिए, राइट। अब ये विस्की मुझे मिली है गिफ्ट, तो मुझे इसकी कॉस्ट तो पता नहीं है, बट इसमें ये 750 ml की बॉटल है, 41.5% ABV है अल्कोहल, एंड आइस कास्क यानी फिनिश्ड विद आइस कास्क, यानी आइस वाइन जो है उसमें फिनिश किया हुआ है, एंड वैन ग्रेट्सकी की सिग्नेचर भी है यहाँ पे, एंड वेरी नाइस विस्की, बहुत ही अच्छी विस्की मिली अच्छी टेस्ट करने में, और ये 99th एपिसोड पे नंबर 99 विस्की। तो दोस्तों मुझे बताइए, अगर आपने कभी कैनेडियन विस्की ट्राई कीजिए तो कमेंट्स में डालिए, वैसे ही अगर नहीं की है तो करके मुझे कमेंट में डालिए कैसी लगी आपको, और ऐसे चैनल को फॉलो करने के लिए हमेशा सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को बोलिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और साथ में कितनी भी अच्छी विस्की हो या कुछ भी ड्रिंक अच्छा हो, मिशुस कास्क हमेशा कहता है ड्रिंक मॉडरेटली, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली with learn, let's learn, yes, let's learn how to drink it right with Nishu's cast. Here it is.